कार्यक्रमों के बीच में अगर पूर्ण मनोरंजन होता रहेगा इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। मैं पूरे स्वर्गीय दीन बंधु शुक्ल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका भी करता हूं। ठीक है, बोलेंगे बोलना है आपको कुछ पूछ पूछा पूछ पूछी फिर से रिमाइंड कराता हूँ कुछ फूट ऊंचा कुछ पूछ पूछी कुछ ऊंची फूट की पूछ बोलिए कुछ फूट ऊंचा कुछ कुछ ऊंच ऊंचा कुछ ऊंच ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ कुछ ऊंट ऊंटी पूंछ चलिए काफी ट्राई करिए। हाँ चलिए कुछ ऊंच ऊंचा कुछ ऊंच नहीं गलत मैं कह रहा हूँ मुझे लग रहा है ऐसी बात कर रहा है कुछ ऊंच ऊंचा कुछ ऊंच ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ कुछ ऊंटा विराट कहेंगे अभी तक इस राउंड में कोई जीत नहीं पाया है। चलिए देखते हैं विराट जी पाते हैं कुछ ऊंट पूछा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूछ कहिए सर कुछ कुछ ऊंचा कुछ पूछ उठी कुछ कुछ ऊंची ऊंट ऊंट की पूछ इतनी बढ़िया है और योर ट्राई करना चाहेगा तो चाहिए। हां चलिए आप भी ट्राई करते हैं चलिए मैं देखता कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ ऐसे लगातार दो बार बोलिए कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ ऊंट ऊंट कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंटी ऊंट की पूंछ ये स्कूल भी ये कार्यक्रम भी पूर्णतया हमारे बाबा स्वर्गीय दीन बंधु शुक्ल की स्मृति में मनाया जा रहा और ये स्कूल भी उन्हीं की स्मृति में स्थापित किया गया था। उन्होंने मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा होगा यहाँ पे जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अनगिनत कार्य किए। मुझे याद है वो हम लोग के बारे में भूल जाते थे कि मेरा नाती बीमार है कई बार वो हम लोग के बारे में भूल जाते थे लेकिन संडे कौन जाता है भाई स्कूल में संडे कौन जाता है क्योंकि संडे को वो स्कूल चलते थे सुबह सुबह कॉलेज सुबह उठते ही मुझे याद एक बार मुझे थोड़ा बीमारी थी उनको उन्होंने कहा वो घर वाले संभाल लेंगे और मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो आप समझ सकते हैं संडे को आराम करना चाहते हैं लेकिन संडे को भी वो क्या करते थे स्कूल की ओर प्रस्थान कर देते थे क्योंकि हम लोग नाती थे स्कूल उनका बेटा था बोले बेटा था वो भी पहला बेटा था उनका मुझे लग रहा है फर्स्ट सन उनका स्कूल ही था और सबसे ज्यादा उनका वो था स्कूल से स्कूल के लिए वो कुछ भी कर सकते थे और मुझे लगता है इतना आज उनको लोग जानते हैं उनके त्याग की वजह से उनके बलिदान की वजह से और हम सब बहुत ज़्यादा ऋणी हम लोग कितना भी कर लें कितना भी सोच लें कितना भी करना चाहें लेकिन उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रयास है स्कूल बनाने के द्वारा और भी जो कुछ करना चाहेंगे जो कुछ कर पाएंगे जरूर करेंगे और करते रहना चाहेंगे उन्हीं की स्मृति में जिससे कि उनका जो प्रयास है उनका ईमान रहे वो प्रयास उनका चलता रहे क्योंकि उन्होंने जो प्रयास किया था वो रुकना नहीं चाहिए रुकना नहीं चाहिए बहुत बड़ा प्रयास था बहुत विस्तृत प्रयास था और उस प्रयास को हम लोग अनंत काल तक जारी रखना चाहते हैं। चलिए वैसे तो ये
कार्यक्रम में शामिल नहीं थे आज के, लेकिन फिर भी इनकी बहुत इच्छा है कि एक कविता कहना चाहेंगे। बताइए क्या कविता कहना चाहेंगे आप? चलिए बहुत ही आसान प्रश्न एक और आ रहा है आपके लिए, क्विज क्विज राउंड थ्री। एक और प्रश्न पूछने वाले आपसे, तब तक टीम हमारी तैयार हो जाएगी अगले परफॉर्मेंस के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कौन बताएगा आंसर इसका। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? कौन सी पार्टी भारत में इंडिपेंडेंस के बाद सत्ता में आई थी? ऑप्शन नहीं देने की जरूरत है, चलिए बताइए। उसका कुछ और नाम रहा है, सही आपको सही मिलेगा। चलिए अजीवेश के बाद खाली हो जाए, अजीवेश ने सही आंसर दिया वैसे, और सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय। अब एक बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे लग रहा है सब कोई जानते होंगे, अब जो नहीं जानते होंगे वो सोचेंगे मुझे क्यों नहीं पता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? जिससे पूछोगे बताएंगे, प्लीज रेज योर हैंड, जिससे पूछना चाहो पूछूंगा। आप बताइए। वेल डन, क्या नाम है आपका? कार्तिक। एक बार तालियां बजाएं। तो अभी तक कौन कौन विनर बना है इस राउंड का? ओम, कार्तिक, जीवेश और कौन है? और अनुराग, चार लोग। वन वन नैतिक नैतिक तल क्वेश्चन बने, वो अलग गेम है, ये अलग गेम। चलिए देखते हैं फिर से, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? गलत, गलत, बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? वायु नंदन ने बिल्कुल सही आंसर देने के लिए एक बार ताली बजाई है, सही जवाब दिया है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बढ़िया सब लोग, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और पहले गृह मंत्री कौन थे? ये कोई बता दो भैया, पहले गृह मंत्री, कोई गार्जियन भी, कोई पेरेंट बताना चाहेगा? एनीबॉडी? अच्छा सारे लोग, ये क्वेश्चन है, पहले गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? उन्होंने मैं आपको, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजती है। मैं बताना चाहूंगा आपको, स्वतंत्रता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। जब भारत आजाद हुआ तो 330 रियासतें थी जो कि भारत से अलग थी, जिसमें आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सारे अलग अलग थे। तो सरदार पटेल को ये कार्य दिया गया कि रियासतों को भारत मिलाए, तो उन्होंने क्या किया, 330 में से 329 रियासतों को भारत मिला दिया। बताइए 330 में 329 नंबर कौन लाता है? लेकिन कौन लाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके लिए चलिए बात जोरदार तालियां हो जाए, उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने 330 में 329 नंबर लाए थे, टॉपर के भी टॉपर निकल गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडी हो अगले क्वेश्चन के लिए? पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया?
पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था? एनीबडी, एनीवन फ्रॉम द स्टूडेंट्स वो लाइक टू आंसर इट? बताना चाहेंगे? थोड़ा सा ये लेवल टू है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 7 अगस्त 1906 को पारसी स्क्वायर कोलकाता में, आज इसको पहले कलकत्ता बोलते थे, पहले क्या बोलते उसको? कलकत्ता, आप उसको कोलकाता बोलते हैं। तो कलकत्ता में 7 अगस्त 1906 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, किसको याद हुआ? एनीबडी बताइए, वो याद हुआ कहाँ पे? 1906 को कहाँ? बिल्कुल। और अभी तक का सबसे कठिन क्वेश्चन, सबसे कठिन क्वेश्चन, रेडी रहिए आप लोग, आर यू ऑल रेडी? सबसे कठिन क्वेश्चन, भारत कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ? डेट क्या थी? डेट ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं कोई स्टोरी बनाना चाहूंगा, जिस दिन भारत आजाद हुआ रात में बहुत जोरदार बारिश हो रही थी, बहुत ही जोरदार बारिश हो रही, जैसे आज सुबह हो रही थी ना, रात में इससे भी दोगुना तिगुना बारिश हो रही थी। तो क्या हुआ, कई लोग वहां पे पहुंच ही नहीं पाए, तो उस समय इंडिया के वायस राय हुआ करते, जैसे गवर्नर भी होते ना राज्यपाल, उसमें वायस राय हुआ करते थे, वायस राय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनको साथ होना था मिस्टर नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के साथ उनको होना था, लेकिन कुछ कारण हो गए, ऐसे कारण क्या हो गया, भीड़ में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, मैं कितनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वो रास्ता क्रॉस ही नहीं कर पाए। सभी लोग आप बैठ जाइए, तुरंत सुबह जाइए। एवरीबॉडी टेक योर प्लेसेस, दादा इधर तक बैठ रहियो, एवरीबॉडी बैठो, आनवी बैठिए, चलिए बैठिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, बस कुछ क्षणों में आने वाले हैं हमारे पहले परफॉर्मर्स, कहते ना सब्र का।